दोस्तों मंदिर खरीदने के बाद ना यहाँ से मूर्ति खरीदने के लिए आ गए हैं। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, हमारे परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। और दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हैं और इसी तरह से दोस्तों आप लोग प्यार बरसाते रहें और आशीर्वाद देते रहें ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़े। और इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा जो सिर्फ हम गए थे ब्लॉग मार्केट गए थे तो वहाँ से मार्केट से क्या चीज़ खरीद कर लाए हैं वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज दीपावली है, तो दीपावली में लक्ष्मी माता की जो है मूर्ति खरीदने हैं और भी पटाखे थोड़ा बहुत खरीदने हैं और मिठाई। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ का बाज़ार है, वहाँ पे मेन बाज़ार, और ये साथ में मेरे मामा जी हैं जो आए हुए हैं, इनके साथ ही बाज़ार घूमने आज है ना। मूर्ति उर्ति यहाँ पे है दिख रहा है वो हम देखते हैं, और फल उल भी लेने हैं वो सब ले लेते हैं। और आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिएगा। सबसे पहले हमें एक थैला खरीदना पड़ेगा ताकि जो भी सामान रखेंगे वो थैले में रखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग थैला खरीदेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं। आप लोग पूरा देखिएगा ब्लॉग में क्या क्या खरीदते हैं। थैला लेने के लिए आए हुए हैं तो पूछेंगे मामा जी कैसे थैला मिल रहा है। तो 20 रुपये वाला यही वाला दे दीजिए, ये वाला ठीक रहेगा। तो मामा जी थैला ले लिए हैं और इसी थैले में सब कुछ रख सामान खरीद। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ से ना मंदिर खरीद लिए हैं, तो ये सजाया हुआ मिला है और दोस्तों इसकी प्राइस पर है 80 रुपये, क्योंकि वहाँ पे मतलब लेट हो जाएंगे ना पूजा वूजा में, इसलिए अभी थैले में पैक कर रहे हैं। और एक थैला भर गया है और दूसरा थैला लिया है तो उसमें मतलब रख रहे हैं अब सारा सामान। 50 रुपये के जी तो हमारे यहाँ फरही का रेट 50 रुपये के जी 50 रुपये है। तो आप लोग देने कितना का है कमेंट करके बताइएगा और भैया जी फरही को दे रहे हैं। बत्तीस रुपये पौआ। और इधर मिठाई है इस तरह से। बूंदिया कैसे के जी? 25 के पाव है बूंदिया। तो 170 रुपया में पूरा थैला भर गया ना, ये मात्र 170 रुपया में पूरा थैला भर गया है। तो यहाँ से फरी बूंदिया ले लिए हैं और 170 रुपये में पूरा थैला भर गया है। और देखते हैं मूर्ति उर्ति लेंगे और भी सामान है पटाखे उठाके वो लेंगे मामा जी के अपने लिए। अभी दोस्तों मंदिर खरीदने के बाद ना यहाँ से मूर्ति खरीदने के लिए आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मूर्ति है जो एक लाइन से लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। और यहाँ पर मूर्ति 50 रुपये का एक मूर्ति छोटा सा है और साथ में चुंदरी उमरी चुंदरी भी दे रहे हैं और माला वाला है जो यहीं से खरीद लेते हैं। चुंदरी का कैसा पड़ा मामा? 20 रुपया चुंदरी का 20 रुपये पड़ रहे हैं। और मामा जी और इस इधर का बाज़ार आप लोग देख लीजिए कैसा है, बाज़ार इस तरह का है और बड़ा सा बाज़ार है। और इधर पटाखे हैं, बहुत ज़्यादा पटाखे लगे हुए हैं और अभी हमें पटाखा नहीं खरीदना है, अभी बाद में पटाखा खरीदना है। यहाँ पे मामा जी ना मिट्टी का बर्तन खरीद रहे हैं, चल रहा है ना। तो यहाँ से ना मामा जी मूर्ति खरीदने के लिए आए हुए हैं, खरीद रहे हैं यहाँ से और देखते हैं कितना पड़ता है कैसे। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पटाखा खरीदने के लिए और पटाखे यहाँ पे मिल रहे हैं। छुड़छुड़ी क्या गोली है? छुड़छुड़ी
चार को लिए। कैसे है छुटछुड़ी? 40 रुपये का। 40 रुपये का एक है? 25 है, 10 है। 40 रुपये का एक है? हाँ, इधर 25, 10। पैकेट है वो 10 पीस के। कैसे पैकेट? 90 रुपये पैकेट है। देख ले मुर्गा ले, 180 रुपये का। तुम ऊपर जाके एक आवाज़ करता हो वो वाला? नहीं वाला, वो वाला कैसे? 160 रुपये का है, दो आवाज़ करेगा ऊपर जाके। 160 रुपये का पैकेट? 260 छोटा वाला। 100 फूल ले रहे हैं क्योंकि पूजा उजा में फूल का काम होगा ना, इसलिए यहाँ से फूल ले रहे हैं। और वो 30 वाला फूल बता रहे हैं और ये 20 का फूल है, यही वाला मैं खरीद लिया। भैया जी पैसा दे 50 30। करीब दोस्तों हम लोग आधा जो कि सामान है हम लोग खरीद लिए हैं और मामा जी उधर लिए हुए हैं और हम इधर वीडियो बना रहे हैं। नारियल लेना है, ले लिए नारियल। 20 का एक नारियल पड़ा है। अभी दोस्तों हम लोग पूरा बाज़ार कर लिए हैं, जो सामान लेना था वो ले लिए हैं, पूजा उजा का जितना भी सामान था वो ले लिए हैं। अब निकले हैं हम लोग घर और यहाँ पर देख सकते हैं दो थैला है जो कि फुल हो चुका है, क्योंकि इसमें मेरा भी कुछ सामान है तो कुछ मामा का है। तो हम लोग निकले हैं घर, वहीं पर आप सभी साथ फिर मिले। दोस्तों ये चले आए हैं मार्केट से, अभी आए हैं बाजार से सामान लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में आप सबको दिखाएंगे कि क्या क्या थैली में लाए हैं सारा सामान, और इतना बड़ा थैली है और क्या क्या सामान है, पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें क्या है। तो इसमें फूल आप सभी को दिख रहे होंगे और मंदिर दिख रहा होगा लकड़ी का, तो इससे समझ सकते हैं कि इसमें पूजा की सामान है। और अभी दोस्तों गुड़िया जी नहा हुआ कर फ्रेश थे, इनको हम बोल देते हैं कि नहा हुआ कर फ्रेश रहिएगा। तो पूजा का कुछ है सामान जो इस तरह मतलब है, और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस पूजा का ही सामान है, बस जितना बना हम लोग पूजा का ही सामान लाए हैं दोस्तों। बस इस थैले में पूजा का ही सामान था, जैसे मिठाई उठाई हो गए, घी हो गया, जितना पूजा का सामान था, और भी कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं लाए हैं। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर बगल में किराना स्टोर है तो वहाँ से पटाखे जो लेंगे, हो सकता है जितना बनेगा उतना लेंगे क्योंकि चूँकि तो रेंज करेगी तो लेंगे। और ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे, बस पूजा का ही सामान लिए क्योंकि ज़्यादा मतलब है नहीं हमारे पास उतना, अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये ब्लॉग थी जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस ब्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। दीपावली ब्लॉग आएंगे अभी तो सामान वाली थी, जितना बना सामान हमसे खरीदें। इस वीडियो को लाइक कर बनता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो फिर मिलेंगे।